नमस्कार सभी दर्शकों को। आज एक आदर्श शिक्षक की कहानी सीरीज के तहत हम एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच लेकर के आ रहे हैं जो खुद तो शिक्षक नहीं है, पर जो शिक्षक कुछ हट के काम करना चाह रहे हैं उस मुहिम में जो एक अहम कड़ी निभा रहे हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ हैं दड़वी कला सिरसा से रामजीलाल जी कम्बोज। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिशन आर्यवर्त स्टूडियो में आप पहुंचे हैं और इस सुंदर मुहिम को आप लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए हम पूरी टीम की तरफ से, मिशन आर्यवर्त टीम की तरफ से आपको साधुवाद प्रदान करते हैं। आप इस मुहिम में ऐसे ही बढ़ते रहें। तो ये जो मुहिम है, ये इस प्रकार की मुहिम है कि अमूमन कम ही देखने को मिलती है। हम समाज में जो पर्यावरणविद देखते हैं, कोई ट्रीमैन होता है, कुछ और किसी फील्ड में सोशल वर्क करते हैं, फ्लावरमैन का ये जो विचार है, ये इसकी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से ये लगा कि ये जो काम है हमें इस फील्ड में करना चाहिए? मैं लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था। मैं जो भारत में जो खूनदान की मुहिम चली उसका माइलस्टोन, उसके बाद मैंने पार्थेनियम पे लंबा समय काम किया, पेड़ लगाने की मुहिमें भी मैंने नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर लंबे टाइम तक चलाई। लेकिन मैं ये देखता था कि अक्सर ही हम जहाँ पेड़ एक साल लगाते थे, साल दो साल के बाद फिर वहां भी पेड़ लगाते थे दोबारा से। तो थोड़ा सा उससे हटके मैं, मेरे पास दो स्टेटों में जमीन है, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। तो मैं मतलब परिवार की तरफ से यूपी जो है ना स्थानांतरित कर दिया गया था, मैं वहां काम कर रहा था अपने खेतों में। तो पीछे से होता यह है कि मेरे गांव का जो स्कूल है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है और एक ही कैंपस के अंदर तीन स्कूल है, सरकारी तीन स्कूल है, दो प्राइमरी और एक हायर सेकेंडरी। तो उस गांव, मेरे गांव में एनिमल डंप करने की जगह जो है ना वो कहीं पुराने समय में ही स्कूल के अंदर आ गई और एनिमल जो था वो टेम्परेरी कहीं डंप किया जाता था। फिर वहां पे जो है ना आपका बिजली घर बन गया। तो अल्टीमेटली जो गांव में एनिमल डंप करने की जगह नहीं रही तो बड़े मृत पशु तो दूसरे गांव में चले जाते, लेकिन छोटे जो मृत पशु होते जैसे गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, उसको लोग जहां ला के फेंकते वो स्कूल की दीवार थी और कहीं गांव में जगह खाली नहीं थी। स्कूल की दीवार में और जोहड़ के अंदर 40 फुट का फासला है तो लोग वहां पे डालते। उससे क्या हुआ कि स्कूल में पढ़ाई खत्म हो गई। बदबू अगर एक दिन रहेगी तो 7 दिन बच्चा डिस्टर्ब रहता है, तो वो वहां तो सारा ही दिन रहती थी क्योंकि कोई पशु डलता कई दिनों तक वहां बदबू रह जाती। तो टीचर्स ने मेरे को कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप लड़ाई लड़िए। तो वो लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में कामयाबी जो मिली वो फूलों से मिली। वैसे हमने पेड़ लगाए, लोगों ने उखाड़ दिए, लास्ट में हमने फूल लगाए, 2 महीने में फूल आ गए और फूलों के अंदर ही बड़ पीपल नीम ऐसे करके 86 पेड़ मैंने लगाए। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि उस दौर में मेरा गांव में अघोषित सामाजिक बहिष्कार हुआ। 2 महीने तक गांव में किसी भी आदमी ने मेरे को राम राम नहीं, आंखों के किरकिरी बन गया जी, बिल्कुल सारे गांव का मतलब जैसे पूरे गांव के साथ दुश्मनी हो, इस तरह का माहौल बन गया। लेकिन 2 महीने में वो फूल लगाए और फूलों के अंदर जो पेड़ लगाए थे, तो उसके बाद जब तक फूल खिले तब तक एक संघर्ष था। लेकिन जैसे ही फूल खिले, लोग जितने विरोध में खड़े थे, जितनी नफरत कर रहे थे, उतना ही वापस प्रेम आया और वहां ना दोबारा गंदगी आई, पेड़ भी हो गए, सफाई भी हो गई। तो फिर उसके बाद जीवन में सोचा कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेड़ भी हो रहा है, सफाई भी हो रही है, तो हमारे जीवन का इससे बड़ा शायद कोई मतलब और नहीं बनता था। बिल्कुल, फूलों के जरिए एक पहल और फूलों के जरिए एक माहौल में बदलाव की शुरुआत रामजीलाल ने की। तो आपने जो एक एक सद्भाव की शुरुआत की फूलों के जरिए, तो एक तो आपको वहां से गंदगी को खत्म करना था, तो और भी क्या, कोई जो गंदगी खत्म हो गई, स्कूल के आसपास का वातावरण साफ हो गया, तो उसके बाद जो कहां से ये उद्देश्य क्या रहा कि वहां से तो आपका उद्देश्य कंप्लीट हो चुका, फिर आप पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर पूरा हरियाणा, फिर अब आप इंडिया को कवर कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य?
वो जो मास्टर जी थे जिन्होंने पहले पहल मेरे से रिक्वेस्ट की फोन करके कि भाई आप आइए और इसको देखिए, तो जब 2-3 महीने हो गए थे हमें संघर्ष करते हुए और फूल खिल आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि मास्टर जी आपके स्कूल के बाहर भी फूल हो गए, आपके स्कूल के अंदर भी फूल हो गए, तो क्या आपकी शिक्षा पे कोई बदलाव आया? तो मास्टर जी फिजिकली उनके दोनों पैर जो थे वो पोलियोग्रस्त थे, तो बिल्कुल अपनी उस पर तन के खड़े होकर उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब जब हमने ये मुहिम शुरू नहीं की थी तब मैं रोज बच्चों को पीटता था कि नहा के आया करो, मेरी प्राइमरी की छुट्टी हो चुकी है, आप हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाइए। जिन बच्चों को मैं नहाने के लिए पीटता था एक भी बच्चा आप स्कूल में देखिए कोई आपको ऐसा मिलता है जो शैम्पू करके ना आया। तो उस दिन के बाद फिर मेरे को और ज्यादा ये लगा कि स्कूल में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। शिक्षक साथी आप देख रहे होंगे जो हम कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे नहा धो करके आए, साफ सुथरे आए, तो एक बिना कहे ही देखो कितना बदलाव आया है, जो अनुभव यहाँ पे बोल रहा है। अब जो हम उद्देश्य की बात करते हैं, इसके पीछे जो आपने मुहिम शुरू की है, क्या कोई आपके इमोशन भी जुड़े हुए हैं कुछ, या फिर आप एक सामाजिक गतिविधि के तौर पे ही इसको ले रहे हो? नहीं, मैं देखिए लंबा टाइम मैंने कॉटन के साथ काम किया, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं अपने एरिया में मधुमक्खी नहीं देखता था। छोटी मधुमक्खी मेरे एरिया से बिल्कुल गायब हो गई थी, कहीं दूर दूर तक मधुमक्खी नहीं थी। तो एक तो मैं ये चाहता था कि मेरे एरिया में मधुब को खाना मिले, मधुमक्खी हो और मैं वहां मरूं जहां मोर हो। उसके मायने बहुत बड़े हैं वैसे तो, मतलब मोर वहीं रहेगा जहां ऑर्गेनिक हो। तो ये मतलब मेरा अंतिम वो रह गया है कि मैं मरूं वहां जहां मोर हो। तो मोर को लाने के लिए वैसे मेरे दोस्त प्रयासरत थे, वो कितना कामयाब होंगे वो मेरी किस्मत है, लेकिन इच्छा ये है कि वहां पे मरे जहां मोर। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और जीवन का उद्देश्य और इस मुहिम का उद्देश्य मेरे हिसाब से बड़ा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आप मुहिम के बारे में हमारे साथ चर्चा करना चाहेंगे कि अब कहां कहां कैसे आप इसको शुरू किया हुआ है, कैसे आपने इसका फैलाव किया? देखिये पहले पहल हमने 20,000 पौधे लगाए थे पहले साल, स्कूल के पास ही 20,000 पौधे बटे थे, लेकिन दूसरे साल में जितने लोग ले जा पाए वो हर बार 0 साथ लगी, हर बार 10 गुना हुआ। एक स्कूल, 10 स्कूल, 1,000 स्कूल, लाखों स्कूल। पिछले साल हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, थोड़ी सी यूपी, एक डिस्ट्रिक्ट बिहार का, आसाम, मतलब आपका मणिपुर, यानी हिंदुस्तान का काफी सारा हिस्सा अभी तक हम लोग लगाने में कामयाब रहे। तो ये टाइम पीरियड क्या रहता है, किस प्रकार से ये मुहिम रहती है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे इसको, ताकि जो नए साथी देख रहे हैं वो भी इस मुहिम से जुड़ सके। देखिए एक तो हम जो मुख्य बिजाई करते हैं, जो हमारा अपना बीज बनाया हुआ होता है, मेरे खेत का बीज होता है, टोटल मतलब बीज मेरा अपना है और इतनी किस्में हैं, वो बात कहना थोड़ा बड़ी हो जाती है कि कहीं एक जगह पे इतनी किस्में दिखाई नहीं देती। मैंने देश की सबसे बड़ी जगह, सबसे ज्यादा जो मशहूर फूलों की जगह है, मैं वहां भी गया हूं, तो मेरे खेत से वहां आधी किस्में नहीं थी। इतनी किस्में हमारे पास हैं जो हम लगाते हैं। संख्या की दृष्टि से हम बात करें तो लगभग कितने? 100 से ऊपर, 100 से ऊपर। बहुत बड़ी बात है जी। तो मतलब उसको हम सितंबर में स्टार्ट करते हैं, सितंबर और अक्टूबर, 60 दिन, 2-4 दिन पहले मौसम के हिसाब से, 2-4 दिन बाद में। इस बार जो हमने बिजाई की बसंत ऋतु में खिलने वालों की, वो 71 दिन की। 71 दिनों में देखिए मुहिम को मैं कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया, मेरी दिक्कत ये रही। कभी भी आज तक मैंने प्रेस नोट जारी नहीं किया, कभी भी चाह कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मेरे उस पर खर्च होंगे और मैं उतने खर्च से 4 नर्सरियां और लगा लूंगा। मैंने आज तक कोई मतलब जैसे कहीं किसी ने रखी हो, किसी प्रेस वाले को बुलाया हो, वो एक अलग बात है, किसी दूसरी जैसे फिल्म वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी उसमें शामिल था, तो वो एक अलग चीज है। मैंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रामजीलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आज अभी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं ये भी एक आकस्मिक इनके साथ मुलाकात हुई है, कहीं बिजाई के लिए आए हुए थे और इधर आना हो गया, तो ये आज आपके बीच इसी वजह से पहुंचे, नहीं तो एक आकस्मिक मुलाकात थी ये, और कोई विशेष प्रयोजन नहीं था कि हम रामजीलाल जी के साथ बातचीत करें यहाँ स्टूडियो में बुला करके। अचानक से ये आज का जो
कार्यक्रम है वो बना है। तो रामजलाल जी, आपने जो मुहिम शुरू की है उसमें जो सहयोग है वो आपको सोसाइटी से या फिर और कहीं से किस प्रकार का मिला है? क्योंकि थोड़ा सा सहयोग भी जरूरी था किसी मुहिम को जारी। आर्थिक मदद मेरे गुरुजी हैं कुमार सुनील गुलाटी जी। मैं बहुत कुछ जीवन में उनसे सीखा, मैंने आपके हरियाणा के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं। उनके अलावा 2 महीने पहले तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया आर्थिक रूप में। वो व्यक्तिगत क्योंकि मेरे गुरु थे, मैं उनको मना नहीं कर सकता था, तो उनसे भी मैंने सीधा हाथ में कभी कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिया, सिवाय खाने के कभी मेरे हाथ में कुछ नहीं दे पाए। खाना सदा ही उन्होंने मेरे को खिलाया और अपने हाथ से बना के खिलाया, मैं उनको भगवान ही मानता। इसके अलावा आर्थिक मदद मेरी कभी कहीं से नहीं आई बिल्कुल भी। लेकिन अभी क्योंकि मैं 18 सालों से इस मुहिम को चला रहा हूं और मेरे पास बिल्कुल भी जमीन नहीं बची है जहां से मेरा कोई ऐसा हो कि जहां से मेरे को आय आ जाए, कि सारे बीज में लगा देता। अब मेरे पास उसको बीजने के खर्च निकालने का कोई सोर्स नहीं रहा। अंततः मैंने हार के उस आदमी से हार मान ली। वो 32 सालों से मेरे को कह रहा है, जब से मैं सेवा में आया हूं तब से कह रहा है कि अर्थ जरूरी है, पैसा जरूरी है, नहीं माना। लेकिन अब तो 10 सालों से बहुत कह रहे थे मेरे को। अंततः वह उन्होंने एक क्या बारकोड कुछ बनाया और वो हमारा जो ग्रुप है उसमें डाला, और मैंने जब मेरे पास बिल्कुल 1,017 रुपए मेरे खाते में रह गए, उस दिन मैंने भी ग्रुप में लिखा कि भाई सब लोग मेरा आर्थिक मदद करें, अदरवाइज अब हम भी जाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले ना तो कहीं से मिली ही, ना ही मैंने कभी प्रयास किया। हाँ, मेरे को इनाम मिले हैं कहीं ना कहीं से, आंध्र प्रदेश से, ऐसे मतलब प्राइवेट संस्थाओं ने मेरे को सम्मानित किया है। तो उसमें जो क्या कहें, अब नगद पुरस्कार है। मैं जब जवान था तब हरियाणा सरकार ने भी एक यूथ अवार्ड 5,000 रुपए उस टाइम दिया जाता था, तो 5,000 रुपए का वो युवा जो है प्रांतीय स्तर पे युवा सम्मान था वो। बिल्कुल दर्शकों, देखो कोई भी मुहिम होती है उसको चलाने के लिए आज के समय में जरूर एक सबसे बड़ी वो होती है, एक तो विल पावर की, और उस विल पावर को जारी रखने के लिए और उस मुहिम को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए जारी रखने के लिए दूसरी पावर की जरूरत होती है, वो मनी। मनी मैटर करता है, कोई चाहे कुछ भी कहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ जरूर है। इस मुहिम को जारी रखने के लिए देखो कुछ न कुछ प्रयास आप भी कर सकते हैं। हम कार्यक्रम के अंत में इस बारे में और आपको आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो जो इस मुहिम है इसको, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि किस प्रकार से आपने आर्थिक अभाव में भी इस मुहिम को जारी रखा है, और तो सफलता कितनी मिली है अब तक आपको इसको? मैं इसको मतलब एक आदमी का जीवन सबसे अच्छा जितना हो सकता, मतलब मेरा जीवन शायद ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मैं देखता हूँ कहीं कहीं हम जाते हैं, हमारे देश में हम कोई सर्वे तो नहीं करवा पाए हैं, लेकिन फूलों के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। नेगेटिविटी दूर करने का बहुत बढ़िया साधन है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि हम 50-50 गांव क्रॉस कर जाते हैं। करनाल के एरिए में आप 50 गांव क्रॉस कर जाइए, हर गांव में आपको फूल मिलेंगे, हर स्कूल में आपको फूल मिलेंगे। ऐसे ही मतलब थोड़े जिले हरियाणा में बचे हैं। पंजाब में हमने पिछले साल ज्यादा बड़े स्तर पे, पहले 5-7 नर्सरियां लगाते थे, पिछली बार हमने 22 नर्सरियां लगाई, और वहां क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट करने वाले हैं तो 3600 कुछ स्कूलों में उन्होंने पौधे दिए। तो मतलब मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी आसानी से मिलना एक आदमी, बिल्कुल है ना, एक आदमी। मतलब मैं ये कहता हूं कि एक आदमी, मैं भिड़ता ही रहा और एक आदमी को इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाना, ये प्रकृति माँ की मेहर है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, जोश जोश में मुहिम बहुत शुरू कर देते हैं लोग, पर इतने लंबे समय तक, अभी रामजीलाल ने बताया कि 18 साल से अधिक का समय हो चुका है और ये मुहिम लगातार चल रही है। तो एक छोटी सी बात, एक छोटे से जोश के बूते पर तो ये नहीं हो सकता, बूता बड़ा होना चाहिए कि इस मुहिम को लगातार चलाए रखना और बढ़ाते रहना भी। तो जो कामयाबी का भी आपने जिक्र किया, इस कामयाबी में क्या कोई आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से कभी रहा है, या फिर कोई भी किसी नुमाइंदे ने आकर के
ये कहा हो कि हम आपका इस तरह से इस मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा? नहीं, इस मुहिम में थोड़ा समय पहले एक आईपीएस अधिकारी ने मेरे को कहा था, मैं आपको 11,000 रुपए देना चाहता हूँ। वो तो शायद व्यक्तिगत जी, इसके अलावा मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन जो है लगातार इस तरह की मुहिमों को आगे बढ़ाने के खुद प्रयासरत रहता है, तो इस वजह से हम भी जाना चाह रहे थे क्या कोई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं मैंने कभी देखा। चिट्ठियां डिपार्टमेंट जारी करता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो कई सालों से मैं देखता हूँ कि चंडीगढ़ से चिट्ठी जारी करता है कि आप यहाँ से पौधे ले लीजिए, यानी कि वो सरकार प्रशासन की तरफ से यही होता है कि आपके जो पौधे तैयार करते हैं वो ले संस्थाओं तक पहुँच जी, बस इसके अलावा मेरी कोई मदद कभी नहीं। तो इसके बाद जो आप मुहिम है लगातार चला रहे हैं, अभी आप बसंत ऋतु के भी जिक्र किया जी, तो इसको आप आगे कैसे बढ़ाने के सोच रहे हैं, कैसे क्या आपका आगे का प्लान है इस बारे में जो अभी तक आपने किया है जी, और आगे इसको और किस तरह से विस्तृत करने का आपके दिमाग में विचार है? एक तो पहले लोग बीज वापस नहीं किया करते थे, अभी स्कूल के मास्टरों ने बच्चों को बीज कलेक्ट करना सिखाना शुरू कर दिया है, तो एक तो जो हमारे पास बीज की पहले, क्योंकि मेरी जितनी जमीन थी वो लग चुकी, अब मेरे पास और जमीन नहीं, इस बार मैंने ठेके पे ली है जमीन, तो अब मेरे पास क्योंकि पैसा नहीं है तो मैं और जमीन ठेके पे नहीं ले सकता। अगर हमारे पास सीड और आ जाएगा ज्यादा, जैसे स्कूलों में है या कोई व्यक्तिगत तौर पे लगाता है, भारती अरोड़ा जी करके हैं, इस बार उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सीड दिया, और इस बार मेरे को, मैं जा नहीं पाया लेकिन मेरे को पता लगा कि उन्होंने 6 बीघा के आसपास जो है ना वो लगाया है सीड के लिए। तो ऐसे ही अगर लोग सीड के लिए हमें सीड वापिस करेंगे, एक बात। दूसरा, हम जहां लगाने जाएंगे अगर वो हमें आने जाने का किराया दे देगा तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। मेरे को क्योंकि पिछली सीजन में देखिए मैंने 52,800 किलोमीटर गाड़ी 71 दिनों में चलाई और उसमें इतनी सारी नर्सरियां भी बीजी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोया होगा मैं 71 दिनों में 52,800 किलोमीटर प्लस बिजाई, 71 दिनों में 4 ही रात सो पाया मैं, और 4 रातों में भी 6 घंटे से बड़ी कोई रात नहीं थी। तो मतलब उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो अगर मेरे को आप वो पे कर देते, मैं जहां बीजने गया, इतना कोई एक आदमी को अफोर्ड करना मुश्किल है अकेले को मेरे को, लेकिन आप सब लोग अगर हम बटके करेंगे 357 जगह से अगर मेरे को थोड़े थोड़े पैसे भी मिलते तो मेरे तेल के पैसे निकल आते। दर्शकों, आप अभी सुन ही रहे हो, और जो फूल प्रेमी साथी हैं उनके लिए, क्योंकि रामजीलाल जी लगातार ये कोशिश करते हैं कि एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर हो, और ये जो फूलों की मुहिम है वो पूरा एक फैलाव ले, तो उसके लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। यदि आप अपने क्षेत्र में या कोई आसपास का ऐसी संस्था है जहां आप पौध तैयार करवा सकें, तो उसके लिए शहर रामजीलाल जी तैयार हैं, पर इसके लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। पहले क्यारियां तैयार करनी पड़ेंगी सितंबर के महीने में जी, और उसके अलावा जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि सहयोग आने जाने का हो जाए तो और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सहयोग करोगे तो उसके बदले में हो सकता है एक नर्सरी और तैयार हो जाए, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जो आप ने मुहिम चला रखी है उसको लेकर के हमने एक मूवी का नाम भी सुना था इसके ऊपर, बिफोर आई डाई जी, तो उसका भी हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, काफी उसके बारे में सोशल मीडिया पे अखबारों में हमने देखा है, तो क्या है उसमें कुछ? बिफोर आई डाई, जिस आदमी ने फिल्म बनाई मैं उसको भी सोशल वर्कर ही मान के चल रहा हूँ, बम्बई से है वैसे वो, उनका जन्म रोहतक का है। वो फिल्म उन्होंने बनाई, जब वो फिल्म बना रहे थे तो 3 साल उन्होंने लगाए, वो फिल्म कोई उस टाइप की नहीं है, जैसा नेचुरल हम काम कर रहे थे वैसे ही वो अपना कैमरा लगाते थे जगह जगह पे, और हमारा जो काम था उसको वो कैप्चर करते थे, उसी में से उन्होंने निकाल के 24-24 मिनट की एक फिल्म बनाई है। इसी मुहिम कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे ये आगे चली, वो उसी पे बनी है, 24.5 मिनट की फिल्म है, और उसको 74 इंटरनेशनल अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप डॉक्यूमेंट्री जी, जी जी जी। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर वो अपने क्षेत्र में
ये जो आप मुहिम शुरू कर रखी है उसको शुरू करवाना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा? थोड़ा बहुत आपने बता भी, थोड़ा सा विस्तार से आप इस बता दीजिए। कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे जो आपको उपलब्ध रहेगा गूगल पे। पहले हम इस तरह का कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस साल ऐसी इच्छा है कि गूगल पे पंजाब के लोगों ने किया है, तो हम लोग एक गूगल पे फॉर्म वो करेंगे। और उसके बाद स्थानीय जो हमारा लीडर होगा, मतलब हमारे पास इतने लोग हो गए हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, जो चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे नर्सरी बनानी है। या व्यक्तिगत तौर पे भी, हम टेलीफोन पे भी, मोबाइल पे भी, आजकल हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके पास ये पावर होनी चाहिए कि जो हम पौधे वहां लगाएंगे आप उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केवल एक कंडीशन है, अगर आप हमें आने जाने का किराया देंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं तो जितने पौधे हम लगाएंगे वो आपको मुफ्त बांटने हैं। आपको क्यारियां बनानी है, 2 महीने पहले आपको प्रयास शुरू करने पड़ेंगे, वो बार बार सोलराइज होती रहे ताकि बीज उसमें उग पाए, और उसके बाद आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। ऐसे लगता है पहले पहले आदमी को लगता है कि मैं पौधे लग जाएंगे तो मैं बांट लूंगा, लेकिन हमारे देश में क्योंकि लोगों को अभी बहुत रुचि नहीं है फूलों में, जहां हम कई सालों से हैं वहां हो गया है, लेकिन अगर कहीं नई जगह पे अगर हम लगाते हैं तो वहां पे फूलों को बांटना बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। तो जो भी साथी लगाना चाहें वो हम गूगल पे भी फॉर्म डालेंगे और मेरे को व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मैं उपलब्ध रहता हूँ हमेशा, तो कभी भी संपर्क करें, मैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दूंगा। अगर मेरी कोई साथी, ऐसा साथी जो पुराना जुड़ा हुआ उसके उनके आसपास होगा, तो हम उनको वहां भेज भी देंगे, उनकी और मदद भी कर देंगे जी। तो दर्शकों, अगर आप हरियाणा से बाहर से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं इस फूलों की मुहिम से। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। हम रामजीलाल का नंबर भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और जो कंडीशन रामजीलाल ने बताई है उनको आप फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप समय से पहले ही संपर्क कर ले ताकि शेड्यूल उस हिसाब से बन जाए। सितंबर महीना एक जो स्टार्टिंग है उससे पहले ही आप कोऑर्डिनेट जरूर कर लें। तो एक कोई संदेश दर्शकों को, क्योंकि जो आप मुहिम शुरू कर रहे हो, जो फूलों की जो पौध है वो उसको जो उगाने का प्रोसेस है ना, जो मीन्स निकलने के कुछ दिन बाद तक का, वो एक छोटे बच्चे को पालने के जैसा है। जैसे छोटा बच्चा है तो बिना कुछ बोले कुछ उसका हमें पालन पोषण करना होता है जी। तो एक तरह से पौधे भी छोटे छोटे जब होते हैं तो उसी तरह के होते हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उसको लेकर के ये फूलों की मुहिम और आगे बढ़ जाए? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, मैं सदा कहता हूं कि जितने भी प्राणी मैंने आज तक देखे, मानव जो है वो सबको तंग रखता है। मैं सब मानव या मेरे जो साथ के प्राणी, या यूं कह लीजिए कि बिना वजह के तंग करता है, जो भी मतलब उसको कहा जा सकता है। तो मतलब हमें ये ऐसा जीवन जीना चाहिए पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, कि हमारी वजह से और तंग ना हो। इस मुहिम को आप दोनों ही उसमें होते हैं, आपको पेड़ लगाना है, उसके चारों तरफ अगर आप फूल लगा देंगे तो आपका पेड़ मरेगा नहीं। आप देखते हैं अगर आप एक फूल का पौधा लगाते हैं तो उस पर मधु भी आएगा, मधुमक्खी भी आएगी, तितलियां भी आएंगी, है ना, चिड़िया भी आएगी। तो उन प्राणियों को अगर हम कुछ ऐसा ना कर पाए कि बहुत कुछ अच्छा ना हो, तो उनके लिए हम कुछ बुरा ना करें। मेरा निवेदन है आप सबसे कि हमारे देश में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, उसको कम करने के लिए भी इस मुहिम में आप जुड़िए जी। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इतनी देर तक आप हमारे साथ डटे रहे, और आभार प्रकट करना चाहेंगे हम एक बार फिर से मिशन आर्य स्टूडियो की तरफ से और आप सभी दर्शकों की तरफ से रामजीलाल कंबोज जी का, कि कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी आपने। जो एक फूलों की जो मुहिम है उसके बारे में डिटेल से हमें बताया, और जो आपने ऑफर रखा है कि इस मुहिम को और भी अधिक बढ़ाया जाए तो उसका भी आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर से कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और नए कार्यक्रम में, अगली बार किसी और विशेष शख्सियत के साथ आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।